ये अपना ग्लेशियर का पानी है। और अपना गाइस सनसेट देखो कितना सही लग रहा है, जाके वापस पानी सच्ची बढ़ रहा है गाइस। ये चीज मुझे काफी सही लगती है कि भाई जो लीन करके पूरी स्कूटी लीन हो जाती है इसमें। देखो गाइस दरिया के अंदर बाहर से स्कूटी फिर है। चलो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है हमारे चैनल पर दी विशाल बर्थ बर्थ व्लॉग्स। स्वागत आपका एक और न्यू इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। वैसे बोरिंग ही होती है मैक्सिमम। तो फिर रात का सारा स्यापा पाया है इस छोटू साहब ने, जो 3 दिन से खराब हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है, 3 तारे सड़के क्या हुआ, जो हमारे स्विच साड़ दे रहा है अपने घर के पड़ने की वजह से। देखो ये क्या कर रहा है, ये 3 स्विच जला बैठा है ऐसे करके। वो यार इसने तो स्यापा पाया था, बस उससे बड़ा स्यापा पा दिया इसने भी। अगर मैं व्लॉगिंग करता हूँ कुछ भी करता हूँ तो इस मोत लेने में काफी ज्यादा वॉइस आ रही है। पता नहीं क्यों ये चढ़ किया जा रहा है, और मतलब कि पूरा सिस्टम ही खराब कर दे रहा है। क्या करूँ, इसका नया लेना पड़ेगा। बोया का लूगा इस बार 800 के आसपास आएगा। इसी को ठीक कराने जाना पड़ेगा, तो भैया को बुला के, भैया आगे तो ठीक है, नहीं तो इसी को ठीक कराने जाना पड़ेगा सिटी में। क्या करें गाइस, मम्मा ने यहाँ पर लगाया है कड़म कुड़म खाना, कड़म तो जिसको आप टोडे के साग के साथ किसके खाते हैं मम्मा इसको, टोडे का साग। पहली बात, साग कभी टोडे का नहीं होता, कड़म और सरसों का होता है। साग के साथ खाते हो आप इसको, सूप में डाल के खाते हो, मोमोज के सूप में, तो भाई काफी दीवाने हैं मोमोज के सूप के। तो ताजा कड़म बाय कटिंग बाय माय मदर एंड दिस इज सूप पुल्ला पुल्ला। कमेंट सेक्शन में बताना मेरी इंग्लिश कैसी है, थम्स अप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इंग्लिश ऑन माय वर्डिंग लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। सो मम्मी ये बार बार कड़म लेके मेरे आगे जा रही है, पता नहीं क्यों। कड़म बड़ी मेहनत से उगाया मम्मी ने, इधर से लेके इतनी जगह पूरी मैंने आधे घंटे में ये पूरी खोदी थी। आज से कोई गर्मियों में बड़ी गंदी बैंड बजी थी यार, इतना मैंने किया था। और सब्जी जो मम्मी ने लगाई है, बाकी बैंड बज गई थी यार छीलते छीलते। देखो सबके पास लंबी लंबी मिर्ची होती है, हमारे पास ये एक टिंगली टिंगली मिर्ची है, एक टिंगली मिर्ची निक्की निक्की मिर्ची, एक्सपेंसिव मिर्ची है भाई, ये बड़े लोग खाते हैं कुछ भी। सो गाइस ये देखो ये रही हमारी दोनों, कितनी सही है ना, कूल एकदम बिंदास। सो यार 2-3 लोगों ने कहा था कि भाई आप भी बाइक ले लो, भाई जरूर लेके पक्का। और एक बंदे ने बोला भाई पर्सल पल्सर ले लो, तो भाई पल्सर नहीं थोड़ा अलग ले गए, पर लेंगे जरूर उस टाइम आने पे। तब तक धन्नो चलाएगा, धन्नो कौन सी सुपर बाइक से कम है यार। मेरे को तो लगता है इसको सुपर स्कूटी का अवार्ड दे देना चाहिए, इसको सुपर स्कूटी नाम डाल दूंगा इसका मैं। हेलो गाइस अंडे खा लो, तो अभी यहाँ अंडे तो हो रहे हैं, काफी दिनों से पड़े थे यार, क्योंकि अब मैं वेट लॉस पे आ रहा हूँ तो एग वाइट खाऊंगा। ऐसे तो मैं नॉन वेज हूँ नहीं, बाइक जब वेट लॉस करना तभी खाता हूँ मैं, खाली एग वाइट। और कल से सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ वापस। भाई फिट तो देखो यार, फिट तो मैं हूँ ही, देखो पेट भी ठीक ठाक है, पर कह रहे साइड से तो बैली है ना मेरी, ये बढ़ गई हुई है बस। अभी तुम्हारा भाई फिट तो बचपन से ही है। अंडे तोड़ो, त्यार लग गए सारे अंडे, तो आप कर देने फ्रिज नू बंद। पिछली बार मैंने इतने अंडे खा दिए थे कि यार अपने पूरे शरीर पे पता नहीं क्या हो गया, रैशेज हो गए थे। तो ज्यादा अंडे भी नहीं खाने चाहिए, मैं दिन में 8 खाता था, तो बैंड बज गई काफी ज्यादा यार। तो सारी मम्मी यहाँ पर मशरूम मटर बनाते हुए मशरूम मटर बना रही है। सो गाइस जिन लोगों ने हमारी मार्केट वाली वीडियो नहीं देखी होगी वो देख लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मम्मी गुम हो गई उसमें, तो काफी मजेदार है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, हमारे सारे ब्लॉग्स फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तो चिंता नहीं करनी, खुली बात ये देखो ना, फाड़िए स्पीकर अपना, लाइक शेयर कमेंट कर दो, लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, बोलो तुम भी बोलो ना। सो गाइस घर पे बोर होते होते सोचते चलो एक राइड पे चलते हैं, और मम्मी का रिचार्ज करा के आना था फोन का, तो चलो वो भी करा के आते हैं, चलते हैं छोटी सी राइड पे। सो गाइस शाम के बज चुके 7, और एक भैया ने मुझे बोला था कि भाई ग्लव्स पहन लिया करो राइड करते समय, तो आज हम देखो पहन रहे हैं, खुश हो फिर। सो यार तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये बंदा हमेशा इधर की वीडियो डालता है, तो भाई अभी थोड़ा मैं डेली व्लॉगिंग पे हूँ, कि मतलब कि जो मैं रोज का करता है काम पर्सन, तो मैं वही डाल रहा हूँ डेली व्लॉगिंग। तो माड़ी मोटी चीज़ें डाल देता हूँ थोड़े बहुत खींच खींच के, और साथ में काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे यहाँ पर धूप निकली है, काफ़ी सही लग रहा है, धूप देखी आज हमने बड़े दिनों के बाद। बाकी इस मोड़ में बल्ले बल्ले आना,
मैं तो बस ऐसे ही आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक मोड हो रहे हैं, बनने ही नहीं है तो भाई गाड़ी तुम्हें कभी भी टच करके जा सकती है। आयो गिड्डी वाले आप परे कर ला थोड़ी। तो गाइस सनसेट देखो कितना सही लग रहा है अपना, शाम के समय एकदम आत लगी पड़ी है। अखनूर का मज़ा काफ़ी तगड़ा है, एक तो इतनी ठंड है यार, ऊपर से सनसेट, हाय हाय क्या नज़ारा है। तो भाई जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं फैमिली से रिगार्डिंग ब्लॉग्स लाते रहता हूँ और आगे जाके हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, रब करे हो जाए। तो बस सब्सक्राइब कर लो, आने वाली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो, उधर मैं जो भी अपडेट्स आ रही होती है तो मैं उधर पाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर लो। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई जाओ जाके फॉलो करो और यार अनफॉलो मत किया करो इंस्टाग्राम पे। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो, अनसब्सक्राइब मत किया करो, दो सब्सक्राइबर लॉस हो गए यार मेरे, पता नहीं कौन है यार अनसब्सक्राइब करते हैं। कोई चक्कर नहीं, रब सारे नूं सुखी रखे, जिहड़े लाइक करते हैं उन्हों भी, जिहड़े हेट करते हैं उन्हों भी, आपां नूं कोई चिंता नहीं यार, कोई गिला शिकवा नहीं यार, सारे अपने भरा वर्गे आ, भरा ते कन्नै भैण। यार दोनों पैर अपनी यहाँ पर आराम से 50-60 की स्पीड तो पकड़ ही ले रही है, बट बैलेंस बिगाड़ता नहीं है गाइस, बैलेंस बिगड़ा तो भाई बस हम गिट्टे हमारे पर जाने हैं। हमने सेफ्टी गियर्स तो नहीं पहने हैं, बट तुम लोगों को पहन लेने चाहिए। हम बाइक पे नहीं इसलिए मैंने पाई नहीं, बट यार स्कूटी पर तुम लोग तो कम से कम आपके पास हेलमेट और एक ग्लव्स तो भाई होना ही चाहिए, साथ में नी गार्ड हो जाए तो भाई सुभान अल्लाह। और मैं इतनी रफ राइडिंग काफ़ी कम करता हूँ, इतनी रफ राइडिंग, और मोड पे हमेशा हॉर्न मार के चला करो, नहीं तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। गाइस अपनी धन्नो ने तो आग मचा दी, ये लीन करने में आज बड़ा मजा आता है यार, आई लव इट। चाचू कुतरा रहे हो, मेरी चैट करना था प्री एंड पोस्ट, और कैसे हो, चल ही रही है। ओके भैया फिर थैंक यू। तो चलो गाइस अपना रिचार्ज तो हो गया मम्मा का, अब हम चलते हैं यहाँ से। हम फिर भी स्पीड में जाएंगे, टॉप पे जाकर निकलेंगे भाई। देखो भीड़ में थोड़ा स्लो कर दिया करो, बिकॉज तो मैं नहीं पता कब कहाँ से बच्चा वगैरह कोई लेडीज आ गई तो ठुक हो जाता बंदा, इसलिए थोड़ा रिस्क क्यों लेना, थोड़ा बल्ले बुल्ले कर दो, कोई चक्कर नहीं निकल जाएंगे। ओहो अगर रश है हम इधर बढ़ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। अरे दीदी साइड हो जाओ, आप कौन आ रहा है? अरे छोटू साइड ही नहीं होता, जय बाबा दी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय बाबा, सुखी के रखियो सारे नु। सो गाइस ये देखो अपनी स्कूटी का नीचे ले जाने का पॉइंट, यहाँ से हम स्कूटी बाड़े के थल्ले सीधे इसके अंदर, देखो गाइस दरिया के अंदर बाड़ दे स्कूटी, फिर बाड़ दे फिर पर्चे करके, चलो दरिया के अंदर बाड़ते हैं जरा, पर नहीं ओए
मम्मी ने मार देना है। दरिया का पानी देख रहे हो कितना तगड़ा पानी जा रहा है दरिया का। दरिया देख रहे हो कितना सही है, अपना पुराना पुल और ये दरिया, पानी कितना साफ। इसमें आप डुबकी मार सकते हो। ये अपना ग्लेशियर का पानी है, ये अपने पहाड़ों से आ रहा है ग्लेशियर से। तो भाई 2 मिनट के लिए मास्क खोला खाली, बिकॉज यहाँ पे पुलिस नहीं है, दैट्स वाई। बाकी ये देखो पीछे से कितना सही आ रहा है, ये कतई जहर। तो भाई इसको ऐसे करो आपस, ठीक नहीं, गजब बेइज्जती है। चिनारी भर की यार ये ब्यूटी काफ़ी सही लगती है मेरे को, इतना बड़ा दरिया और हम दरिया को चल के पार कर दो, पर करना नहीं है, रुड़ जाओगे। और ये रही अपनी धन्नो, सिनेमैटिक में देखा ही होगा, ये अपनी धन्नो है जो दरिया के इधर खड़ी हुई है, काफ़ी सही लग रही है। यही वो चिनार जो अपने पूरे अखनूर को ठंडा रखता है। और ये पूरा ग्लेशियर्स का पानी है, इतना साफ सूफ पानी, देखो इसको आप पी भी सकते हो। पर लोगों ने इतना यार गंद मचाया हुआ है यहाँ पर, और बाकी सब ठीक है, पर जब ये चीज़ देखो ना काफ़ी बुरा लगता है, जो टायर पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, भाई ये तो साफ़ कर देना चाहिए, गंद थोड़ी पाना चाहिए। इतना अच्छा साफ पानी भी आप पीने लायक नहीं छोड़ते, नहीं तो पहले हम ना इसी से चोल बनाते थे, पता है पुराने पुराने हमारे बुजुर्ग। और ये बाइक बाइक लहरें देख रहे हो कितनी सही लग रही है, किप्पड़ अंदर है उसके ऊपर से आ रही है लहरें, कितना सुंदर लग रहा है यार ये। और वो देखो वहाँ पर जो ये जो बन रहा है ना प्रेशर, ये देखो ये चिनाब रिवर का ये पानी बढ़ रहा है ऊपर, देख रहे हो अब ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि भाई कब पानी नीचे से ऊपर चढ़ गया, कब नीचे चला गया। तो भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वो देखो पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो उस तरफ, ये पहले नहीं था, भाई कब हो रहा है। ये चिनाब रिवर का पानी कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना कि रोड ना जाना। कुछ लोग वहाँ मस्ती मुस्ती कर रहे, वो भी जाएंगे वापस, पानी सच्ची बढ़ रहा है गाइस। और अपना धन्नो कितनी ऑसम लुक आ रही है यार, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा पर जाने पड़ेगा, बिकॉज सब चले गए हैं और सामने देखो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इससे पहले ये यहाँ तक पहुँचे हम चलते हैं, नहीं तो फिर हम भी रुट जाएंगे, और हमारे अलावा तो बाकी सारे चले गए हुए हैं। डॉगी छोटे से डॉगी, तो चलो गाइस हम भी चलते, बस यहाँ से चढ़ जाए यार ऊपर, और कुछ नहीं चाहिए। चढ़ गया, बाय बाय चिनाब। तो चलो चलते अपन घर पे। सर हमारे कंटेंट आते हैं फैमिली ब्लॉग के साथ, आप परिवार के साथ देख सकते हो, जिसके मर्जी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। गफे गुफे हम बहुत कम निकालते हैं, ज़्यादा हम मौजू मौजू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आई होप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं हो, और अगर पुराने बंदे हो, पुराने खुंडे हो, तो भाई चैनल को शेयर कर दो आगे 4-5 बंदों के साथ जिनको नहीं किया, और हमारी फैमिली बढ़ाओ यार, बिकॉज 250 सब्सक्राइबर हुए खाली, और बढ़ाने हैं भाई मेरे को। तो भाई जल्दी जल्दी अपना परिवार बड़ा करो, और बढ़ेगे धीरे धीरे आगे, कोई चक्कर नहीं। सो स्टे सेफ बी सेफ, मिलती है नंबर के साथ, तब तक लिखता का बाय बाय सकीना का। बस वाला मुस्तर रेस लगाता है चाचू, कोई ना यार तू ही जा, खड्डे खड्डे माए खड्डे, स्कूटी खोलती मेरी।